थाईलैंड, ये वर्ड सुन के काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरीके की इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो लोग ने काफ़ी सारी जगहों से थाईलैंड के बारे में सुना रहता है, या तो फिर वीडियो वगैरह देखे रहते हैं, या तो वो खुद थाईलैंड में ट्रैवलिंग कर चुके होते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर थाईलैंड में सेटल होने की इच्छा तो रहती है, और उसके लिए वो लोग थाईलैंड में जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में बन जाते हैं स्कैम के शिकार। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त ऋत्विक, और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थाईलैंड में जॉब दिलाने के चक्कर में जो स्कैम हो रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो थाईलैंड में जॉब दिलाने के चक्कर में एजेंट्स लोग जो रहते हैं वो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके के स्कैम करते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसी दो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि खुद मेरे फ्रेंड के साथ हुई है। और ये स्कैम के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी थाईलैंड में जॉब पाने के चक्कर में ये इस तरह के स्कैम के अंदर ना फंसे। तो चलिए फर्स्ट स्कैम की बात करते हैं जो कि खुद मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। तो बात कुछ इस तरह से, ये जो बात है वो कोविड के पहले की है, आई थिंक 2.5 साल पहले की है। फ्रेंड्स, रोज की तरह नॉर्मल डे था और मैं ऑफिस में काम कर रहा था, और दोपहर में मुझे मेरे एक पुराने फ्रेंड जो कि हम लोग 10th स्टैंडर्ड में साथ पढ़ते थे, उसके बाद हमारा कोई कॉन्टेक्ट रहा नहीं था, तो उसका मुझे अचानक से फेसबुक पे मैसेज आता है कि भाई मैं पिछले एक महीने से बैंकॉक में हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो हमारी थोड़ी सी बातचीत होती है, उसके बाद मैं उसको सारी डिटेल पूछता हूँ कि भाई तू एक महीने से इधर थाईलैंड में है तो क्यों मेरे को मैसेज नहीं किया, और क्यों अभी तू मेरे को मैसेज कर रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई क्या, वो सारी डिटेल मैं पूछता हूँ उससे। उसके बाद वो मुझे पूरी बात बताता है, और बात कुछ इस तरह से थी कि वो काफ़ी टाइम से जो है थाईलैंड में जॉब ढूंढने की ट्राई कर रहा था। तो ऑनलाइन तो उनने काफ़ी सर्च किया, लेकिन पहले उसने मेरे से कभी बात नहीं किया था। वो तो आया इधर तभी मेरे से बात हुई, और तभी मेरा यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट अभी तक नहीं किया था। उसके बाद उसने मुझे पूरी बात बताई, वो बोल रहा था कि मैं काफ़ी टाइम से जो है थाईलैंड में ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहा था, लेकिन उसको कहीं से भी जॉब ऑफर आ नहीं रहा था। तो उसके बाद उसको किसी एजेंट का कॉन्टेक्ट मिला, और वो एजेंट के पास गया, और एजेंट उसके प्रोफाइल वगैरह लिया और उसको बोला कि मैं देखता हूँ, अगर कोई जॉब होती है तो मैं आपको बोलता हूँ। उसके बाद एजेंट ने पूरे डॉक्यूमेंट और उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल ले लिया, और थोड़े टाइम के बाद एजेंट ने उसको कॉल किया और बोला कि थाईलैंड में जो है वो एक डेटा एंट्री की जॉब आई है, जिसमें आपको जो है अराउंड 50,000 रुपीज तक का सैलरी मिलेगा, और खाना रहना पीना ट्रांसपोर्टेशन ये सारा कंपनी प्रोवाइड करेगी। और ये सारी बातें करने के बाद एजेंट ने जो है उसको मिलने के लिए बुलाया। मिलने के बाद वो एजेंट ने बोला कि ये जो कंपनी है उसको अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है किसी बंदे की, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको जो है अराउंड 1.5 लाख रुपए तक आपको भरने होंगे। अगर आप 1.5 लाख रुपए भरोगे तो आपकी ये जॉब जो है वो पक्की हो जाएगी। और पैसे देने की बात सुनते ही मेरा फ्रेंड ने उसको काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे कि भाई आप किसके पैसे ले रहे हो ये सारे। तो उन्होंने बोला कि ये जो सारे पैसे वो तो इसमें से थोड़ा उसका कमीशन है, और थोड़ा जो है वो उसकी फ़्लाइट की टिकट का और वहाँ पे जाने का स्टार्टिंग के दिनों में जो उनको खर्चा आएगा उसकी फ़ीस है, और एक बार उनकी जॉब लगती है तो ये सारा जो खर्चा है वो उनको रीएम्बर्स हो जाएगा, मतलब कि उनको वापस मिल जाएगा। इनमें से सिर्फ जो एजेंट की फ़ीस जो है वो 10,000 रुपीज़ उसने बताया था, तो 10,000 रुपीज़ सिर्फ कटेंगे, बाकी के जो 1,40,000 रुपीज़ जो है उनको वापस मिल जाएंगे एक बार जॉब लगने के बाद। और एजेंट ने बोला कि आपके पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के अंदर आप ये पैसा जमा करवा दो तो आपकी जो जॉब है वो कन्फर्म हो जाएगी। तो तभी तो मेरा फ्रेंड वहाँ से चला गया, उन्होंने बोला कि मैं आपको सोच के बताता हूँ, लेकिन उसके पास एक्चुअली में इतने पैसे थे नहीं, लेकिन वो थाईलैंड में आने के लिए इतना डेस्परेट था कि जैसे तैसे उसने 1.5 लाख रुपए तक जमा किया, और बाद में वो एजेंट को दे दिया, और वो एजेंट ने बोला कि 7 से 10 दिन का टाइम लगेगा वीज़ा वगैरह लगाने में, पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने में, जैसे ही वीज़ा वगैरह लग जाता है टिकट वगैरह बुक हो जाता है मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा। और जब मेरे फ्रेंड ने 1.5 लाख रुपए की रिसिप्ट की मांग की तो उन्होंने रिसिप्ट देने से मना कर दिया, लेकिन काफ़ी बहस करने के बाद उनको जो है एक नॉर्मल सी रिसिप्ट दे दिया, जिसमें ना तो कंपनी का नाम था ना ही कुछ था, बस सिर्फ लिखा हुआ था कि भाई उनको 1.5 लाख रुपए मिले हैं ये वीज़ा वगैरह कराने के लिए। और ये रिसिप्ट मिलने के बाद वो भी घर पे चला गया। उसके बाद उनको कुछ 1 वीक के बाद एजेंट का कॉल आता है और उनको बोलता है कि आपका वीज़ा वगैरह हो गया, आपका थाईलैंड जाने का जो है वो फाइनल हो चुका है। और इस वजह से मेरे फ्रेंड को लगा कि ये जो एजेंट है वो जेन्युइन है, उसने जो बोला था वैसा किया, वीज़ा वगैरह भी लग गया और फ्लाइट टिकट वगैरह भी उसको भेज दिया। और यहाँ पे उसका जो वीज़ा लगा था वो टूरिस्ट वीज़ा था, जो कि 3 महीने का मिलता है, जिसमें आपको 2 महीने कंटिन्यूसली थाईलैंड में रह सकते हो, क्योंकि एजेंट ने बोला था कि आपको यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा लेके जाना है और एक बार थाईलैंड में जाने के बाद आपकी वर्क परमिट लग जाएगी। और उसने वो कंपनी की डिटेल भी भेजी कि कौन सी कंपनी है और वहाँ पे किस पोजीशन पे उसकी जॉब लगती है। लेकिन यहाँ पे मेरे फ्रेंड की गलती ये है कि उसने जो है वो कंपनी के बारे में गूगल वगैरह में सर्च नहीं किया, या तो डायरेक्टली वो कंपनी में कॉल करके नहीं पूछा कि भाई रियल में ये
कंपनी में ये स्पेसिफिक जॉब की रिक्वायरमेंट निकली है कि नहीं निकली है, अगर वो वहाँ पे कॉल करता तो उसको वहाँ पे ही पता चल जाता कि ये जो एजेंट है वो उसके साथ फ्रॉड कर रहा है। और जिस दिन उसकी थाईलैंड के लिए फ्लाइट थी उस दिन वो एयरपोर्ट पे काफ़ी और दो तीन लोगों से मिला जो कि सेम एजेंट के थ्रू आए थे, तो उसको थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ये जो एजेंट है वो जेन्युइन एजेंट है और अच्छा काम कर रहा है। और जैसे ही वो लोग बैंकॉक में लैंड होते हैं, वो और उसके साथ जो दो तीन लोग थे उसको वहाँ से एक दूसरी जगह लेके जाया जाता है जहाँ पे जो है एक लाइन में तीन चार रूम आए रहते हैं और उसके अंदर वही लोग रहते हैं जो कि थाईलैंड में जॉब के चक्कर में आए रहते हैं। और उनको यहाँ पे ये बोला जाता है कि आपके वर्क परमिट के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, जब तक वर्क परमिट नहीं आता तब तक आपको यहाँ पे ही रहना पड़ेगा, उसमें अराउंड 7 से 10 दिन का टाइम लगेगा। और वहाँ पे रोज एक बंदा आता था और सुबह दोपहर और शाम को उनको खाना दे के वहाँ से चला जाता था। वहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जो कि काफ़ी टाइम से वहाँ पे थे लेकिन उनकी जॉब का कुछ अता पता नहीं था, तो मेरे फ्रेंड्स ने जो है वो उसके साथ बातचीत करना चालू किया और उसको पता चला कि ये लोग जो है वो काफ़ी टाइम से इधर है लेकिन फिर भी उसकी जॉब जो है अभी तक नहीं लगी है। और वो सब लोग भी किसी ना किसी एजेंट के थ्रू यहाँ पे आए रहते हैं और उन लोगों ने भी इंडिया में थोड़ा बहुत पैसा दिया रहता है एजेंट को जॉब लगवाने के लिए। यहाँ पे उन लोगों ने उनका पासपोर्ट भी ले लिया था क्योंकि वो बोल रहे थे कि अभी वर्क वीज़ा और ये सब लगाना है तो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़े, तो उन लोगों ने वो जो है पासपोर्ट भी उनका ले लिया था, तो वो वापस आ भी नहीं सकते, तो यहाँ पे वो बुरी तरीके से फंस गए थे। और ये सब मेरे फ्रेंड के साथ अराउंड 1 महीने तक चला। वो रोज़ बंदा आता था उसको खाना वाना दे के चला जाता था, तो वो उनसे क्वेश्चन पूछते थे कि भाई कब तक हमारा वीज़ा वगैरह लगेगा, वो लोग बोलते थे कि भाई प्रोसेसिंग में है थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा करके पूरा 1 महीना निकाल दिया। ये सारी चीज़ों को देख के मेरे फ्रेंड को भी आइडिया लग गया कि ये जो लोग हैं वो उनके साथ फ्रॉड कर रहे, कोई जॉब वॉब दिलाने वाले हैं नहीं, क्योंकि जिस एजेंट के थ्रू वो आया था इंडिया से वो एजेंट को कॉल लगा रहा है तो कॉल लग नहीं रहा, अगर लग भी रहा है तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। उसके बाद उसने जो है वो खुद ही अपने तरीके से ऑनलाइन सर्च करना चालू कर दिया जॉब के लिए, लेकिन वही ऑनलाइन वगैरह उसका कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद उसको पता नहीं कहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट मिला, तो मेरे से बातचीत किया और मेरे को पूरी स्टोरी समझाई। तभी उसने मुझे ये पूरी स्टोरी सुनाई तो मैंने उसको बोला कि भाई जब भी तेरे को इधर आना था, जब भी तेरी जॉब लगी तभी तू मुझे कॉन्टैक्ट करता तो मैं तेरे लिए कुछ कर सकता था और मैं तेरे को बता सकता था कि ये फ्रॉड है कि जेन्युइन है। अभी सारी चीज़ें हो गई, अभी तूने पैसा भी दे दिया, तू इधर भी आ गया, अभी थोड़े टाइम के बाद तेरा वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई यहाँ पे अगर तुम्हारे कॉन्टैक्ट में कोई जॉब वगैरह है तो प्लीज़ मुझे दिला दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी डेट में आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ इंडिया में किसी से पैसा लिया था और ये एजेंट को दिया, अभी मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है उसको रिटर्न करने के लिए, और इवन मेरे पास फ्लाइट की टिकट के पैसे भी नहीं है कि मैं इंडिया वापस जा सकूँ, तो प्लीज़ मेरी सी यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प करो। फिर मैंने उसको बोला कि जैसे तैसे कुछ भी बहाना वगैरह करके कि भाई मेरे को जॉब नहीं चाहिए या तो कुछ भी ऐसा इश्यू बता के एजेंट से जो है वो अपना पासपोर्ट ले लो, उनको बोलो कि मेरे को जॉब नहीं चाहिए, और फिर अगर वो पासपोर्ट भी नहीं देता तो उसके बाद फिर से मेरे से बात करना, तो हम लोग कुछ जो भी लीगल एक्शन होते उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उसने वो जैसे तैसे करके वो बंदे से अपना पासपोर्ट 2 दिन में ले लिया था। फिर जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिए वैसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो मेरे साथ मेरे घर पे आ गया। तभी जो है मैं अपने बैचलर फ्रेंड के साथ रहता था और वो भी हमारे साथ रहने लगा, और तभी उसके कुछ अराउंड 20 से 25 दिन ही बचे थे टूरिस्ट वीज़ा ख़त्म होने में। और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारी जगहों पे ट्राई किया कि कहीं ना कहीं इसकी जॉब लग जाए तो इसके लिए भी अच्छा लगे। मेरे फ्रेंड लोगों ने भी काफ़ी हेल्प किया उस जॉब वगैरह ढूंढने के लिए, और फाइनली हमको जो है उसके लिए एक फैक्ट्री में जॉब मिली जो कि टिश्यू पेपर बनाती थी। वहाँ पे भी बहुत मुश्किल से जॉब लगी थी, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ पे जॉब मिली थी, तो फाइनली वहाँ पे उसकी जॉब तो लग गई थी लेकिन सैलरी वगैरह थी वो काफ़ी कम थी वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने उनको बोला कि अभी यहाँ पे हाल फिलहाल सैलरी कम है लेकिन अभी तेरा वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला है तो यहाँ पे तू काम कर ले, उसके बाद हम लोग दूसरी जगह पे देख लेंगे। और वो कंपनी से हमारी वर्क परमिट के लिए भी बात हो चुकी थी, वो कंपनी ने बोला था कि पहले हम इसका काम देखेंगे, अगर काम अच्छा रहा तो हम लोग उसको वर्क परमिट भी दे देंगे। बाद में वो रेगुलरली वो फैक्ट्री में जॉब पे भी लग गया, और कुछ 10-11 दिन जाने के बाद में उसका जो मैनेजर है उससे उसने वर्क परमिट के बारे में बात किया। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे आया कि कंपनी ने जो है वो वर्क परमिट देने से इनकार कर दिया। वह बाद में उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट वगैरह भी किए लेकिन कंपनी मान ही नहीं रही थी, कंपनी ने वर्क परमिट देने से साफ इनकार कर दिया। क्योंकि अगर थाईलैंड में कोई कंपनी फॉरेनर को हायर करती है तो उसको उसका वर्क परमिट लगाने के लिए उसके अगेंस्ट 4 और 5 स्टाफ को रखना पड़ेगा, और प्लस उसके टैक्स वगैरह को भी पे करना पड़ेगा, और प्लस जो फॉरेनर की सैलरी रहती है वो थाई पीपल से ज़्यादा होती है तो उसको जो है यहाँ पे ज़्यादा सैलरी भी पे करना पड़ेगा। तो इस सारे चक्कर में ज़्यादातर थाई कंपनियाँ जो है वो फॉरेनर को
हायर नहीं करती काम करने के लिए। और उसके बाद हमने दूसरी कंपनियों में भी मेरे फ्रेंड के लिए जॉब ढूंढने की ट्राई किया, लेकिन उसको यहाँ पे जॉब मिल नहीं पाया और उसके वीजा वगैरह खत्म होने में 10 दिन ही बाकी थे। बाद में उसके जितने भी दिन के वीजा बचे थे उतने दिन वहाँ पे फैक्ट्री में काम किया और जितने भी दिन काम किया उसको वहाँ पे उसका पगार मिल गया और वो पगार से वो अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करके इंडिया पहुंच गया। बाद में उसका फॉरेन कंट्री में काम करने से मन ही उठ गया, तो भी वो काफी टाइम से इंडिया में, उसकी जॉब भी अच्छी है, उसकी सैलरी भी अच्छी है और एक अच्छी लाइफ इंडिया में जी रहा है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाद में इंडिया जाने के बाद मेरे फ्रेंड ने वो एजेंट को कॉन्टेक्ट किया कि नहीं, उसको मिला कि नहीं मिला, वो पुलिस कंप्लेन वगैरह किया कि नहीं किया, कुछ ऐसा स्टेप लिया कि नहीं लिया। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे फ्रेंड के साथ काफ़ी और लोग भी थे, तो काफ़ी अलग अलग लोगों के साथ वो एजेंट स्कैम करके बैठा था। तो काफ़ी टाइम से वो उसके ऑफिस में जा रहा था लेकिन ऑफिस बंद ही मिल रही थी, लेकिन एक बार वो जब ऑफिस में गया तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और वो एजेंट को मारने लगे थे। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। बाद में जिन जिन लोगों के साथ वहाँ पे स्कैम हुआ वो सारे लोग उसको पुलिस स्टेशन लेके गए और वहाँ पे उसके खिलाफ जो है वो कंप्लेन लिखाई और फिर बाद में पुलिस ने जो है वो जो भी लीगल कार्यवाही होती है वो स्टार्ट कर दी। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी स्कैम की रियल स्टोरी जो कि मेरे फ्रेंड के साथ हुई थी। अभी मैं एक और दूसरे स्कैम के बारे में बात करता हूँ जो कि मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। तो फ्रेंड्स हुआ कुछ इस तरह से था कि अचानक से मेरे को मेरा एक फ्रेंड जो दुबई में काम करता है बहुत टाइम से, उसका मुझे कॉल आया कि मैं उसका जो एक फ्रेंड है वो इधर थाईलैंड में आया है जॉब के लिए और उसको जो है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, तो प्लीज़ तू उससे कोऑर्डिनेट कर ले। तो उसने बाद में उसका फ्रेंड का नंबर शेयर किया और मैंने उससे बात किया, तो उसके फ्रेंड ने पूरी मुझे बात बताई और बात कुछ ऐसे है कि वो भी एजेंट वगैरह के चक्कर में पड़ा था और एजेंट को उसने थोड़ा बहुत पैसा दिया था और एजेंट ने बोला था कि बैंकॉक में एक इंडियन रेस्टोरेंट है उसमें वो उसको मैनेजर की पोस्ट पे जॉब दिलाएगा और उसकी सैलरी अराउंड उसको 40,000 रुपीज में मिलेगी। सैलरी के अलावा रहना खाना पीना और वो सारी चीज़ें वो रेस्टोरेंट वाले उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी बातचीत हुई थी। उसके बाद उसको यहाँ पे बैंकॉक में आने के बाद जॉब तो मिल रही थी लेकिन वो मैनेजर पोस्ट की नहीं थी, उसको यहाँ पे वेटर की जॉब मिल रही थी और उसका उसको अराउंड 20,000 रुपीज वो लोग पे कर रहे थे। तो यहाँ पे ये बात पे भी उनकी काफ़ी सारी आर्ग्यूमेंट हुई एजेंट के साथ, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट का मालिक था उसके साथ भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ। लेकिन आपको पता ही, एक बार आप यहाँ पे आ जाते हो तो कुछ नहीं कर सकते, आप जो है वो बेबस हो जाते हो, कुछ आपके यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं होते और बाद में आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके लिए यहाँ पे एक चीज़ ये अच्छी थी कि वो जो एजेंट है उसने यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह नहीं लिया था, या ना तो कोई रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह लिया था, पासपोर्ट उसके पास ही था तो जब भी चाहे वो इंडिया वापस जा सकता था। और फिर बाद में वो रेस्टोरेंट में उसने 2-4 दिन काम किया, वो बोल रहा था उसको नहीं जम रहा था, वो बोल रहा था उसको जो है इंडिया में उससे अच्छी जॉब मिल रही है और सैलरी भी वहाँ पे अच्छी मिल रही थी। तो फिर वो फाइनली फिर उसका टिकट वगैरह हमने करवाया इंडिया का और फिर वो बाद में इंडिया चला गया। तो यहाँ पे भी उसको एजेंट वगैरह के चक्कर में फंस के उसने जो पैसे दिए थे वो पैसे तो उसको वापस मिले ही नहीं, तो कुछ कमाया वगैरह था कुछ नहीं, बल्कि जो भी उसका सेविंग था वो यहाँ पे पूरा चला गया। तो फ्रेंड्स ये 2 जॉब स्कैम की ट्रू स्टोरी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की और इसमें हमसे जितना हो सका हमने उनकी हेल्प किया। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ हो जाती है कि एक बार स्कैम हो जाने के बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं थाईलैंड में इतने टाइम से रह रहा हूँ तो मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह रहेंगे तो उसका यूज़ करके जो है वो मैं आपको जॉब वगैरह के लिए हेल्प कर सकता हूँ, या तो कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो उसके लिए हेल्प कर सकता हूँ। एट द एंड वो आपके ऊपर ये कि आपके साथ कोई स्कैम कर सकता है कि नहीं कर सकता। मैंने जो अपना वीडियो बनाया था हाउ टू फाइंड जॉब इन थाईलैंड उसके अंदर भी मैंने डिस्कस किया था कि जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो या तो जॉब ढूंढ रहे हो या तो उसके अलावा कुछ और जॉब की आपको प्रोसेस कर रहे हो तो वो पूरी आप लीगल वे से करिए, वीज़ा वगैरह की प्रोसेस जो है वो पूरी आप लीगल वे से करिए, कोई एजेंट वगैरह के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि जो एजेंट वगैरह रहते हैं वो अपना ही फ़ायदा देखते हैं और बाद में वो उसको आपके यहाँ जॉब लगने से या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एक बार आपका पैसा मिल गया तो बस उसका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप थाईलैंड में जॉब ढूंढना चाहते हो तो ऐसे काफ़ी सारे ऑनलाइन वेरीफाइड पोर्टल है जहाँ पे जाके आप जॉब ढूंढ सकते हो, या तो लिंक्डइन भी है वहाँ पे जाके भी आप जो है वो जॉब ढूंढ सकते हो। और अगर आपको ऐसा कोई इंटरनेशनली जॉब वगैरह का ऑफर आता है तो आप जो है वो पहले वो कंपनी का प्रोफाइल वगैरह देखिए, अगर हो सकता है तो उनका नंबर वगैरह पे कॉन्टेक्ट कीजिए और वो नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप HR वगैरह से बात कीजिए, उसको पूछिए कि रियल में उनकी कंपनी में ये जॉब के लिए ओपनिंग है कि नहीं है, ताकि फ्यूचर में आप ऐसे जॉब स्कैम में ना फंसे। तो फ्रेंड्स अगर आपके साथ भी ऐसा कोई स्कैम हुआ तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या तो मेरे ईमेल आईडी पे ईमेल करके, या तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या तो फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।